हमारे जो मोहल्ले के जो मौसम लोग को ले और जितने भी घर के घर मालिकान और मोहल्ले के नौजवान पढ़े लिखे लोग बम सेफ को लेकर और तमाम जिम्मेदार यहाँ कर हर पार्टी के जितने भी यहाँ पर और कटकट गेट इलाके के जो लीडरान हैं और सोशल वर्कर्स हैं जो सीनियर वर्कर्स हैं इन तमाम लोगों ने मिलकर एक ये मीटिंग की कि आज जो ये कटकट गेट में ये डिविजनल कमिश्नर की उप विभागीय आयुक्त ने जो आदेश निकाला 6 तारीख को कि 5 एकड़ 25 घंटे जो है तो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी और फिर उन्होंने 20 तारीख को ये डिक्लेयर किया कि ये सारे 22 एकड़ 21 घंटे को एनिमी प्रॉपर्टी हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको किस तरह से लड़ाया जाए लड़ी उसकी लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जमीन के मालिक भी जिंदा है उनके वारिस भी जिंदा है यहाँ पर कॉरपोरेशन ने इस इलाके से जो एक्वायर जमीन की थी उस मालिक के वारिसों को उन्होंने TDR दिया करोड़ों रुपये यहाँ पर डेवलपमेंट के काम है यहाँ पर जो तो NA44 की जो तो त्रिमूर्ति सोसाइटी है जब सारी चीजें लीगल है तो इलीगल जो गवर्नमेंट काम कर रही है यह बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को हरिशमेंट किया जा रहा है। सर अभी आपने कहा कि इसके मालक जिंदा है इसके वारिस जिंदा है लेकिन सरकारी तरफ से जो हमें खबर समाचार मौसूल हो रहे हैं कि ये दुश्मन शत्रु की प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए दुश्मन शत्रु प्रॉपर्टी शत्रु कहा कि दुश्मन प्रॉपर्टी दुश्मन उसे कहा जाता है जो इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान चले गया चाइना चले गया। अब 75 साल हो गए आजादी का 75वां अमृत उत्सव मना रहे यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं यहाँ पर इस हिंदुस्तान में रहने वाले हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं हम 15 अगस्त को झंडे की सलाम करते हैं हम 26 जनवरी मनाते हैं हमारे बच्चे जो है तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनलिटी हमारे साथ में है हम आज भी अगर हमारे देश पर कुछ आ जाती है तो यही कटकट गेट के सबसे पहले बॉर्डर पर मोहम्मद ताहिर भाई आगे क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है तो देशभक्त तो हम हैं हम यहाँ देशभक्त लोग रहे और यहाँ पर देश को सेवा देने वाले लोग यहाँ पर पुलिस भी रहता है यहाँ पे रिटायर्ड के तो फौजी भी रहते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं इंजीनियर्स रहते हैं टीचर्स रहते हैं हर किस्म का वो आदमी जो पक्का हिंदुस्तानी है जो अपनी सारी मेहनत इस हिंदुस्तान को लगा रहा है। वैसे लोग इस कॉलोनी में रहते हैं तकरीबन यहाँ पर 25 से 50 हज़ार लोग रहते हैं जिसमें से बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट है अदर अदर उसके जो है तो फैकल्टी है अदर लोग हैं मजदूर लोग हैं तो आप ये बताइए कौन दुश्मन हो गया यहाँ तो सारे देशभक्त रहे जो दुश्मन थे वो चले गए। इन्फॉर्मेशन है विरोधी पक्ष नेता माजी नगर सेवक आज पब्लिक के ऊपर संकट आया हुआ हमारे पूरे कटकट गेट के ऊपर 22 एकड़ 21 घंटे इन्होंने जबकि सरकार ने रजिस्ट्री करके दी 7-12 भरे पैसे ली प्रशासन ने टैक्स ले रहा परमिशन दिए प्यार कार्ड बने इसके जब तक टैक्स भर रहे हमने करोड़ों रुपए बजट ला इसका नगर से होते हुए करोड़ों रुपए काम करे रोड बनाए टेनिस बनाए पानी की पाइपलाइन लाए टैक्स भर रहे इसका गुंडियारी भरे इसका पूरा करे अरे यहाँ पे क्या है चिंगमिंग बाहर देश का उसका हुकुम से जैसी चलती यहाँ के सरकार ऐसी हुकुम से चला रही यहाँ पे सावधान का कोई किसको नोटिस दिए नहीं कुछ किसके तारीख पेश ही नहीं हुई बस अपना है पूरा कैंसिल कर दिया शिव जयंती के दिन इतवार के दिन संडे के दिन ऐसे दिन का जब हॉलीडे रहता है संडे रहता है छुट्टी रहती गवर्नमेंट हॉलीडे के अंदर ये काम किया गया है पूरे मुसलमान हमें भरा है छोटे बड़े गरीब लोग अच्छे लोग सब है सालों 50-50 साल से रह रहे लोग एकदम इनके नामा कट कर दिए वोट लेने के टाइम तो सब आ रहे लेकिन ये ऐसा संकट के टाइम में कोई आ रहा नहीं मुसलमानों की मदद करने का रास्ते तो अल्लाह तो है मुसलमानों का अल्लाह ही है दूसरा कोई नहीं है लेकिन एक जरिया बनाता आज हम गली में है लीडर और दिल्ली में भी लीडर हम मुसलमान गली में भी और मुसलमान दिल्ली में भी है आप कुछ लोग गए थे हमारे खासदार साहब करे वो 13 तारीख को मार्च को उठाते बोले थे अब देखिए इंशाल्लाह वो भी क्या करते नहीं अगर उन्होंने कुछ करे तो ठीक है नहीं करे तो हम हाथ जोड़ के भी काम करेंगे हाथ खोल के भी काम करेंगे काले झंडे रखेंगे मोर्चे आंदोलन निकालिए यहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ताकत रखते हैं इंशाल्लाह कोई समिति हमारे इंसाफ नहीं मिला तो
आप? अरे वो जो मीर सादिक थे, मीर जाफर थे, मर गए, वो किसकी प्रॉपर्टी थी वो नहीं मालूम हमारे को। हमने सबने को पैसे दे के लिए रजिस्ट्री करे, प्यार कार्ड है, सात बारह है, सब आता है, रह रहे भी, टैक्स भर रहे। ये हम देखो, ये पार्टी कोई भी हो, पब्लिक से पार्टी है, पार्टी से पब्लिक नहीं है, जनता से पार्टी है। कोई भी जनता है तो पार्टी है, और पूरे पार्टी वालों ने अभी हर लीडर ने कोई ने भी जैसा वोट मांगने आए थे वैसी मदद करने भी आना चाहिए। आज की मीटिंग में क्या फैसला हुआ सर? मीटिंग में क्या हुआ वो बता दीजिए सर। हमारे महीने में आज हिसाब से मीटिंग ली है, हम अभी पार्टी बना रहे हैं, इसके काम पार्टी को सौंपेंगे, सबके प्यार कार्ड रजिस्ट्रिया सातवारा सबकी जीरस निकालेंगे, वकील लगाएंगे, हाई कोर्ट में डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मंत्रालय जाएंगे, हर हमारी जितनी कोशिश है उतनी करेंगे इंशाल्लाह। सर जब से ये बात मार्केट में आई है, मीडिया में आई है, ऐसा लग रहा है इसमें छोटी बड़ी राजनीति भी शुरू हो गई, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, इसमें राजनीति के काम ही नहीं है कोई, इसमें सबके घर का समस्या, पहले घर बाद में सब है, इसमें राजनीति का कोई काम ही नहीं है। इसमें राजनीति जो हर एक घर का मसला ही है, तुम्हारे मेरे सबके घर का मसला ही है। ये प्रॉपर्टी का आज इंसान आज के पीरियड में 20-30 का बलाड भी ले रहा, तो उसके वास्ते क्या क्या मेहनत करना पड़ती, क्या क्या करना पड़ता उसकी मालूम है, उसके वास्ते घर बनाना पड़ता, तो उसका बीवी बच्चे सोना चांदी सब गिरो रखता है, क्या क्या परेशानी, तो उसकी मालूम है। सर आने वाले आज आज लोग बेरोजगार है, नौजवाना पहले तो इनको नौकरियां नहीं, बच्चे उनको पगार नहीं है, कमाई नहीं है, आमदनी नहीं है, पहले तो परेशानी है, फिर उसके बावजूद ये आफत आई हुई है। सर आने वाले समय में कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के आने वाले हैं, लोकसभा के आने वाले हैं, यदि मान लो उदाहरण के तौर पर अगर वो लोग आपके पूरी तरह से साथ नहीं देते, उनका आह्वान क्या करेंगे आप? नहीं, जो देखो उनकी जगह उनको बताएगी जनता, आज जो भूखे को रोटी खिलाएगा तो उसका एहसान भी लगता आदमी, आज जो मुसीबत पे जो काम नहीं आएगा वो तो पैरों पर उसकी जनता लाने वाली है। आंदोलन आंदोलन के बारे में कुछ सर आने वाले समय में कुछ लोकशाही माध्यम से आंदोलन के द्वारा है इरादा है या कुछ ज्यादा निवेदन देंगे आप? लोकशाही माध्यम के हिसाब से हम पहले कलेक्टर को निवेदन देंगे, वकील साहब लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, पार्टी बनेंगे, हम ऐसा कोई दंगा फसाद ऐसा लड़ाई झगड़ा ये नहीं करने वाले, हम एकदम खामोशी में अपना काम करें। सर हमने देखा है, ये आखिरी सवाल है मेरा, जब लेबर कॉलोनी टूट रही थी तो पूरे शहर ने देखा, तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, छोटे छोटे नेता हो, वो गली गली घूम रहे थे और जनता खाते पे हाथ रख रहे थे, तसल्ली दे रहे थे। क्या ये बात खबर लीक होने के बाद आपके वार्ड में कोई बड़े बड़े नेता हर पार्टी के आए, आपको तसल्ली दी? तुमने शोले पिक्चर देखे थे क्या? हर नेता आएगा उसमें आसानी क्या होता, आते इधर जाओ, आगे हो जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, लीडरों का ऐसा हिसाब है आज का।